The temple town of Ayodhya has celebrated Deepotsav with great pomp. In fact, a new Guinness World Record has been set during the celebrations. A record 22.3 lakh diyas have been lit up at 51 ghats by over 25,000 volunteers from Avadh University. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had graced the grand event and performed the Saryu Aarti over there. Additionally, delegates from 4 countries have showcased the rich cultural legacy of Ayodhya by performing the Ram Lila. All this, of course, comes as the city is gearing up for the inauguration of the Ram Temple in January 2024. The Uttar Pradesh government has in fact envisaged the creation of a tourist circuit connecting Ayodhya with other cultural sites too. You can see the lovely visuals of those 22.3 lakh diyas being lit up. These are, of course, drone shots that we're showing all of you. But meanwhile, joining us on the broadcast is my colleague Akhand Pratap Singh. He's joining us live from Ayodhya. नया record set किया गया है. हमारे दर्शकों को आप क्या जानकारी दे सकते हैं इसके बारे में? देखिए, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐतिहासिक दीपोत्सव भगवान राम की नगरी में कल मनाया गया. 22,23,000 दीपक से भगवान राम की नगरी चकमक हुई. तो वहीं अयोध्या विश्वविद्यालय के जो वॉलंटियर हैं और विश्वविद्यालय को उन्होंने अपना नाम ग्रीनिस बुक ऑफ अवार्ड में शुमार किया. जिस तरीके से भगवान राम की नगरी में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया गया. काफी भव्य दिव्य दीपोत्सव रहा. पूरी राम नगरी को फूलों से सजा दी गई. यूं कहा जाए कि पूरी राम नगरी जिस तरीके से भगवान रामलला त्रेता युग में अयोध्या आए थे, पूरी अयोध्या को फूलों से सजा दिया गया था. ठीक उसी तरीके से भगवान राम की नगरी कल सजकर संवर कर दुल्हन की तरीके तैयार हुई थी. और शाम को जब दीपक जलाया गया तो उसमें दीपक जलने के बाद 4 चांद लगे, क्योंकि भगवान राम की नगरी में जब दीपोत्सव का आयोजन हुआ था तब से लेकर के लगातार अब तक जो वॉलंटियर है वो काफी मशक्कत मेहनत के बाद इतने खूबसूरत भव्य दिव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया. तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कम से कम 51 देश के जो राजदूत थे वो अयोध्या पहुंचे थे. खुद आनंदीबेन पटेल जो यहाँ की राज्यपाल है वो थी, तो उनकी मौजूदगी में ये लोग साक्षी बने इस दीपोत्सव की. तो अयोध्या का जो दीपोत्सव था काफी ऐतिहासिक था. वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्क्रीन है वो लगाई गई थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या रात विश्राम किए थे. अभी कुछ देर बाद वो रामलला हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे. पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही है. अयोध्या के साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे, बात करेंगे. अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा इससे पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे. भगवान रामलला के मंदिर परिसर जाएंगे, वहां स्थलीय निरीक्षण करेंगे. पूरी अयोध्या जिस तरीके से सजकर संवर कर कल तैयार थी, आज सुबह मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद साधु संतों से बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे. कम से कम लाखों की संख्या में जो कल भक्त थे वो अयोध्या रुके थे. आज सुबह से उन राम भक्तों का हुजूम लगा है. हर मठ मंदिर में भगवान रामलला के भक्त ही दिख रहे हैं, क्योंकि कल ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया गया. आज दिवाली है, तमाम शुभकामनाएं दिवाली पे मुख्यमंत्री जो अयोध्या के साधु संत उनको देंगे. इसके बाद यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे. तो पूरा जो दीपोत्सव का कल माहौल था, पूरा त्रेता का माहौल था. रामनगरी पूरी राममय थी. राममय के गुंजार से पूरी रामनगरी गूंज रही थी. तो पूरी अयोध्या को जिस तरीके से दीपक सजाया गया था, अयोध्या की राम की पैड़ी नहीं, पूरे सभी मठ मंदिर जितने हैं उनको सजा दिया गया था. साधु संत काफी आह्लादित प्रसन्न थे, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये नया रिकॉर्ड बना, अयोध्या अपने रिकॉर्ड को दोबारा तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बना, ये विश्व रिकॉर्ड बना है. तो कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस तरीके से लगातार विकास और अयोध्या की छठा एक अपने आप में अलग ही अलौकिक सामने आई. कल राम मंदिर की बात किया जाए तो राम मंदिर के परिसर में 1 लाख से अधिक दीपक जलाए गए. पूरा राम मंदिर दिव्य और भव्य दिख रहा था, क्योंकि अगले वर्ष भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होते हैं. Indeed, and our colleague Nikita had in fact shown exclusive visuals to our viewers from the Ram Mandir. She had taken us through, the entire Garbhagriha, the intricate carving. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel. Hit the bell icon.